हर तरफ राम नाम का गुणगान हो रहा है। 22 जनवरी को भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी इकलौती महिला कार्य सेविका पूनम त्रिवेदी से, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहती हैं, जिनकी उम्र आज 60 साल से ज्यादा की हो चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम मंदिर आंदोलन के वक्त पूनम त्रिवेदी की उम्र सिर्फ 26 साल की थी और वो दुर्गा वाहिनी की अध्यक्ष थी। जब हमारी टीम ने उनसे बात की तो उनका गला भर आया, आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा कि आज कई राम भक्त का सपना साकार होने जा रहा है। खुशी बहुत है, लेकिन दर्द सिर्फ उस बात का है कि उनके साथ के कई लोग आज इस ऐतिहासिक पल को साकार होता देखने के लिए जिंदा ही नहीं है। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन से जुड़े उस भयावह मंजर को भी याद किया, जब वो बाबरी मस्जिद तक चलने के लिए महिलाओं को जागरूक कर रही थी, लेकिन उसके कुछ वक्त बाद ही वहाँ मौत का भयावह तांडव हुआ। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है तो खुशी तो बहुत है, क्योंकि उस समय पे हम लोगों ने बहुत मेहनत की, जिसका फल आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि उस समय के कुछ लोग हम लोगों के बीच में अब नहीं हैं, जिसका हमें बहुत दुख है। आज जब राम मंदिर बन रहा है तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी, और हमको तो खैर बहुत ही अच्छा लग रहा है, सारी मेहनत सफल हो गई। जो हमारे भाई बहन बलिदान हुए, उनका बलिदान होना भी सार्थक हो गया, तो हमको तो इस समय बहुत अच्छा लग रहा है, राम मंदिर बन रहा है। मैम, आपने कभी सोचा था कि ये दिन देखने के लिए मिलेगा? उस टाइम पे जब आप लोग संघर्ष कर रहे थे और कार सेवकों पर गोली चली, तो आपको लगा था कि अब आगे कुछ हो पाएगा? देखिए, उस समय तो एक जुनून था, जो होगा वो देखा जाएगा, अब इस तरफ या उस तरफ करके सब लोग भिड़े पड़े थे उसमें। और ये दिन देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब का किसी को कुछ होश ही नहीं था। सब उसी कार सेवा में कि इन करों से रामचंद्र जी की जो सेवा हो जाए, जितनी हो जाए उतनी करी जाए। लेकिन हाँ, इतने लोग बलिदान हुए, इतने लोगों ने कार सेवा की, दुख सुख हर परिवार ने सहे उस टाइम के, तो ये तो था कि भगवान तो देख ही रहा है, कभी ना कभी तो हम लोगों का सपना सार्थक होगा, साकार हो जाएगा। वही साकार हुआ सपना, और देखने को मिला कि अब राम मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है वहाँ पर। मैम, आप लोग काफ़ी भावुक होंगे, और अगर आपके साथ के लोग भी आज मौजूद होंगे तो आपस में बात करते होंगे कि देखो कितना साकार हुआ हमारा संघर्ष। हाँ बिल्कुल, सब लोग बात करते हैं आपस में, और सब बहुत खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। लेकिन हम आपको बताएं, जैसे आप आई हैं सब पूछने, तो हमको वो दर्दनाक स्थितियां भी याद आती हैं। बड़ा दर्दनाक था, अब अशोक मान्य अशोक सिंघल जी थे, वो हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे थे, रास्ते में ही उनके गोली इस जगह पे लगी, और कितने कार सेवक उसमें मारे गए, जिनकी की संख्या ही नहीं पता, मार दिए गए, फेंक दिए गए सब। और काफ़ी बाद में भी हम जब गए वहाँ पर दोबारा, तब भी हमने देखा सब दीवारों पे खून के छींटे पड़े हुए थे। तो ये सब दर्दनाक स्थितियाँ, आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, खुशी बहुत है, लेकिन जब वो पल याद आ जाता है तो थोड़ा सा मन को दुख होता है, फिर संतोष होता है कि चलो जो हुआ वो हुआ, आज सबका सपना साकार हो गया। मैम, प्राण प्रतिष्ठा में आपके जाने का प्रयास है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब इंतजार 22 जनवरी का है। प्राण प्रतिष्ठा में पूनम त्रिवेदी को भी आमंत्रित किया गया है। पूनम त्रिवेदी का कहना है कि वो कार्यक्रम में तो जाएंगी ही, लेकिन इसके साथ ही वो प्रभु राम के आगमन की खुशी में दिवाली जरूर मनाएंगी।